कहते हैं कि जल है तो फसल है और फसल है तो सुरक्षित हमारा आज और कल है। आज हम बात करेंगे शाजापुर जिले के ग्राम चाकरोत के कृषक श्री मुकेश जी पाटीदार की, जिनके पास कृषि भूमि की तो कोई कमी नहीं थी, किंतु सिंचाई जल की अपर्याप्तता के कारण उनके लिए खेती घाटे का धंधा बनकर रह गई थी। उन्होंने जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई नलकूप खनन करवाए, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उनके जीवन में नया सवेरा लेकर के आई। इस योजना के तहत उन्होंने अपने प्रक्षेत्र में प्लास्टिक लाइनिंग ऑफ फार्म पॉन्ड का निर्माण 2642 वर्ग मीटर में कराया तथा सिंचाई जल की अपर्याप्तता की समस्या से हमेशा के लिए निजात पाई। आज वे 80% क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे हैं एवं बंपर पैदावार ले रहे हैं। आज हम स्वयं कृषक से जानेंगे कि यह योजना उनकी सफलता में क्या मायने रखती है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मुकेश कुमार पाटीदार, पिताजी का नाम बद्री प्रसाद जी गोठी, ग्राम चाकरोत का निवासी, विकासखंड सुहैलपुर, जिला शाजापुर। मेरे द्वारा उद्यानिक विभाग सुजालपुर में संपर्क किया गया तो मुझे इस तालाब के बारे में बताया गया। मैंने 17-18 में इसका निर्माण करवाया। उसके पहले मैं गेहूं चने की खेती करता था। उसके बाद ये तालाब बनने के बाद मैं पूरी ज़मीन में आलू, प्याज और लहसुन की खेती करता हूं। इससे मेरे को बहुत लाभ है। पहले मेरे द्वारा 1-2 हेक्टर में ही पानी मिल पाता था, पूरी ज़मीन सूखी रहती थी। वह तालाब बनने के बाद मेरी पूरी ज़मीन में सिंचित हो गई है। मेरे द्वारा ये 17-18 में तालाब बनाया गया, इस पर मुझे 1,32,826 रुपये की सब्सिडी मिली। उसके पहले सभी किसान भाई से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी इस तालाब को बनवाए, उनकी पानी की समस्याएं हल हो जाएगी। इससे मेरी इस तालाब की सफलता को देखकर गांव में 25 से 30 तालाब और निर्माण हुए गाँव में।